हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो पाइथन की है और पाइथन में हम बिना यूजर के मदद की कुछ ऐसा पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये देख सकते हैं, ये बिना यूजर की मदद के बनाया है और ये नंबर के फॉर्मेट में है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ W की वैल्यू, यहाँ पे देखिए W में कोई नंबर लिखा था मैंने 6, 7 कुछ भी, यहाँ पे 8 कर देता हूँ अब, तो ये देखिए 8 लाइन का पैटर्न, एक्चुअली 7 लाइन का पैटर्न प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ रेंज लगाया हमने। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 लाइन का पैटर्न जो है प्रिंट होकर आ रहा है। तो ऐसा अगर पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल ले लेते हैं। अब यहीं पर वो कोडिंग हमें करनी है जिस कोडिंग के करने से बनेगा ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आर लिखता हूं, आर इज इक्वल टू 5 कर देता हूं, फिर एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे लगाना है फॉर लूप, तो ये फॉर लूप लगाया हमने, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, तो रेंज फंक्शन यहाँ लगा रहा हूं और रेंज फंक्शन एक छोड़ करके देता है, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू होगी उससे एक छोड़ के, यानी कि यहाँ पे मैंने दिया है 5 तो ये 4 लाइन का पैटर्न प्रिंट करेगा, इस तरीके का कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने आर और इसको क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे दे देंगे कॉलन, फिर एंटर करेंगे तो नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लगाना है फिर फॉर लूप, यानी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ठीक है। फॉर आई इन यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, अब आई इन तो कर चुके हैं, अब यहाँ पे जे इन करेंगे क्योंकि रो के बाद कॉलम भी तो बनाना है, तो ये जे इन रेंज कर देंगे, आर ए एन जी ई जे इन रेंज, और फिर यहाँ पे दे देंगे क्या देंगे इसमें रेंज में आई देंगे, ठीक है, ये दे दिया और कॉलन लगा दिया। इतना कर लेने के बाद क्या करना है हमें, एंटर प्रेस करके नीचे आना है, हमें यहाँ पे देना है प्रिंट, क्योंकि अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, तो ये प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। और प्रिंट फंक्शन में हमें क्या देना है, यहाँ पे देना है आई, क्या देना है आई देना है, और आई दे करके कॉमा दे देंगे, और फिर यहाँ पे देंगे एंड, ई एन डी एंड इज इक्वल टू, अब एक सिंगल रोटेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे एक सिंगल रोटेड कॉमा क्लोज करेंगे, ऐसे कर दिया हमने। इतना कर लेने के बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और फिर एंटर करके आप नीचे आ जाएंगे सिंपली, ठीक है। तो यहां से नीचे आ जाते हैं और इंडेंटेशन कर लेते हैं, लाइक फॉर लूप के सीध में ये होना चाहिए जो सेकंड वाला फॉर लूप है। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन दोबारा से यूज करके, चूंकि एक बार गैप भी प्रिंट कराना है, तो ये इस तरीके से गैप भी हमने दे दिया, और यहां से फाइल पे जा करके सेव पे गए और फिर डेस्कटॉप पे गए और फिर यहां पे पैटर्न 17.py इसी के नाम से इसको कर देता हूं सेव। तो चलिए इसको सेव कर दिया है मैंने। अब यहां से रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये पैटर्न प्रिंट हो जा रहा है बहुत ही आसानी के साथ। इस तरह का कोई भी पैटर्न अगर आपको बनाना हो तो सेम इस तरह का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। इस कोड के लिखने से होगा क्या, क्योंकि आर में हमने दे रखी है वैल्यू 5 और यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे रेंज यूज किया है, तो 5 का मतलब n माइनस 1 करता है, रेंज क्या करता है n माइनस 1 यानी r माइनस 1 करेगा, यहाँ पे r लिया है हमने तो r माइनस 1 करेगा, r माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 लाइन का पैटर्न इसीलिए प्रिंट हो रहा है। ये i जो है रो के लिए है और j जो है कॉलम के लिए है, तो उसी हिसाब से ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे 7 कर रहा हूँ, जैसे ही 7 करूंगा तो 6 लाइन का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा अपने आप। देखिए यहाँ पे रन पे गए और यहाँ देखिए 6 लाइन का पैटर्न ये प्रिंट होकर आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, जैसे लाइक देखिए यहाँ पे 9 कर दिया है, अब इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे 8 लाइन का पैटर्न प्रिंट होगा क्योंकि लिखा है 9, ठीक है, और रेंज 1 माइनस करके देता है, तो ये देखिए 8 लाइन का पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प जरूर होगी, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।